क्या अश्वगंधा सेक्स की इच्छा बढ़ाता है या सेक्स टॉनिक करके वापर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी सवाल हमको आते हैं। चलो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा 7 बेनिफिट्स अश्वगंधा के क्या होते हैं, 7 बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा एक हर्बल प्लांट है, उसमें पाउडर के रूप में आता है और यूजुअली 225 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक उसका डोज है। टैबलेट में या पाउडर में ये मिलता है। इसमें कंटेंट जो है वो विथेनोलाइड्स है। विथेनोलाइड कंटेंट मतलब केमिकल कंटेंट जो है उसका। अश्वगंधा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और सालों से हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, बाहर के देशों में सब तरह वापर जाता है। तो अश्वगंधा का फ़ायदा क्या है? अश्वगंधा बहुत साल से, मतलब ये जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। तनाव और चिंता उसके लिए इस्तेमाल किया गया और तान तनाव और चिंता जो है वो बहुत कम करता है अश्वगंधा। क्या होता है कि अश्वगंधा, एक ऐसे स्टडी में पाया गया है कि अश्वगंधा यदि आपने 225 से 600 मिलीग्राम लिया, तो वो स्टडी में फॉर अंदर 2 से 3 मंथ लिया तो सिग्निफिकेंटली स्टीरॉयड लेवल जो है, मतलब लोअर कॉर्टिसोल लेवल पाए गए, सिग्निफिकेंटली लोअर कॉर्टिसोल लेवल। तो इसका मतलब क्या है? कॉर्टिसोल कब बहता है ब्लड में? कि जब तनाव आता है। तो उस कॉर्टिसोल लेवल कम कर दिया, तनाव कम हो गया, या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते तो तनाव आ जाता है। तो सिग्निफिकेंटली तान तनाव और चिंता कम हुई अश्वगंधा लेने के बाद में। ये क्लियरली साइंटिस्ट को मालूम पड़ा और अश्वगंधा उसके लिए रेकमेंड किया गया। क्या होता है कि तान तनाव यदि कम हो गया दिमाग का, तो नेचुरली लिबिडो, इच्छा जो है सेक्स की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि लिबिडो मतलब सेक्स की इच्छा नहीं होना या अट्रैक्शन नहीं होना, इसका प्रमुख कारण जो है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। और वही अब यदि हमने गायब कर दिया क्रॉनिक स्ट्रेस, नेचुरली सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है और आदमी अच्छा सेक्स कर सकता है। तो ये पहला फायदा। टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो बढ़ गई अश्वगंधा देने से। मतलब करीब करीब अलग अलग स्टडीज में ऐसा पाया गया, एक स्टडी में पाया गया कि सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल 10% से बढ़ गई। 2 महीने तक उनको अश्वगंधा दिया गया, अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000 मिलीग्राम, और 10% से लेके 17% तक, और एक स्टडी में 17% सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ी हुई ऐसा पाया गया। इसका मतलब ये हो गया है कि अश्वगंधा लेने से सीरम टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है। और ये भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी नेचुरली, वो कपल में प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ गए। टेस्टोस्टेरोन 2 से 3 महीने के देने के बाद में एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया कि 9 मिलियन से लेके 26 मिलियन तक स्पर्म काउंट बढ़ गया। कितना कितना, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 9 मिलियन जिनका स्पर्म काउंट है वो 26 मिलियन बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि फर्टिलिटी जो है, पैदा करने की ताकत, स्पर्म काउंट बढ़ने से बढ़ गई, इच्छा भी बढ़ गई, स्ट्रेस भी कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ गए। तो कितना फ़ायदा है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने का या स्पर्म काउंट बढ़ने का, तान तनाव कम होने का? तो नेचुरली एक सेक्स टॉनिक करके अश्वगंधा बेस्ट हो सकता है। एक औरतों के ऊपर एक स्टडी की गई, महिलाओं के ऊपर, कुछ लोगों को एक टॉनिक दे दिया गया, सादा टॉनिक है ना, बी कॉम्प्लेक्स दिया, और कुछ महिलाओं को अश्वगंधा दिया। 2 महीने देने के बाद में जो टॉनिक दिया था उनके साथ में जो अश्वगंधा दिया था, वो महिलाओं का टेस्ट किया गया और देखा गया कि कितनी लेवल बढ़ी हुई है या उनमें क्या फ़र्क पड़ गया। उनको सवाल जवाब दिए, क्वेश्चन आंसर दिए गए, मालूम पड़ा कि जिनको अश्वगंधा दिया था तो वो महिला में सेक्स की इच्छा बढ़ गई, ऑर्गेजम मतलब सेक्स की जो उच्चतम लेवल आती है ना, चरम सीमा, वो बहुत ही एंजॉय किया, सेक्स की इच्छा बढ़ गई और औरतों का इंटरेस्ट भी बढ़ गया। मतलब इंटरेस्ट बढ़ना, सेक्सुअल फंक्शन बढ़ना, ऑर्गेजम जो है चरम सीमा तक पहुंच जाना, और मतलब इंटरेस्ट, सेक्स ड्राइव, सभी मतलब उनका बढ़ावा दिखा जिनको अश्वगंधा दिया था। इसका मतलब यह है कि अश्वगंधा फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करता है और अश्वगंधा फीमेल्स को 2 से 3 महीना दे सकते हैं। अश्वगंधा का इस्तेमाल उपचार, मतलब उपयोग जो है वो शक्कर और चर्बी कम करने में भी होता है। स्टडीज में ऐसा पाया गया कि शुगर लेवल और चर्बी बहुत कम हो गई। वैसे अश्वगंधा जो लोगों ने लिया उनके मसल स्ट्रेंथ और पावर बढ़ी हुई दिखी, और सिग्निफिकेंटली फर्क मसल स्ट्रेंथ और पावर में बढ़ गया था।
अश्वगंधा का इस्तेमाल याददाश्त मतलब मेमोरी के लिए और फोकस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिनका जिनका जिनकी जिनकी एकाग्रता नहीं है, फोकस नहीं है, स्थिर बैठे नहीं है, तो वो बच्चों को और वो बड़े लोगों को भी अश्वगंधा देते हैं, तो फोकस एंड मेमोरी में अश्वगंधा का फायदा दिखा। वैसे हार्ट का जो हेल्थ है, हार्ट हेल्थ, तो उसमें भी बहुत अच्छा फर्क, मतलब हार्ट हेल्थ, हार्ट के फंक्शंस बिफोर अश्वगंधा और अश्वगंधा देने के बाद में वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए दिखे। टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट भी है, जैसा स्टमक एक है, स्टमक अपसेट होता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, नौशिया मतलब जी मचलाना, उलट होना, प्रेग्नेंट वुमेन में मिसकैरेज होने का डर है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अश्वगंधा एक सेफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब है और उसका इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। तो ये 7 बेनिफिट्स मैं अभी फिर से बताता हूँ। 1, तान तनाव और चिंता स्ट्रेस कम करता है, उससे सेक्स बढ़ जाता है। 2, शुगर और फैट जो है ब्लड का वो कम कर देता है। 3, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर वो बढ़ती है। 4, महिलाओं में अश्वगंधा सेक्सुअल फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। 5, फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल आदमियों में, पुरुषों में बढ़ावा दिखाई दिया। 6, फोकस और मेमोरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई अश्वगंधा लेने के बाद में, और दिल का जो हेल्थ है, आरोग्य जो है, वो बहुत ही अच्छा दिखाई दिया अश्वगंधा लेने के बाद में। तो अश्वगंधा के 7 बेनिफिट्स है, अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जो 5-PDE5 इनहिबिटर्स है उसके साथ में अश्वगंधा में देता हूँ। हमने स्पेशल अश्वगंधा का प्रिपरेशन तैयार करके लिया हुआ है, मैंने खुद ने कंपनियों से तैयार करके लिया हुआ है। आप यदि चाहते हैं तो एकदम प्योर फॉर्म में अलॉन्ग विद अदर एंटीऑक्सीडेंट्स, अलॉन्ग विद अदर आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके रिसर्च करके ट्राई किया गया है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल करके, ऑफलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और इसके बारे में जानकारी लेके अश्वगंधा हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। अश्वगंधा बहुत ही सेफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है, उसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।